friends, welcome to AB videos. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही वाली घिया बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यमी बनती है। इसमें ना तो हम प्याज डालेंगे, ना ही इसमें टमाटर डालेंगे। सूखे मसालों से और दही से इस सब्जी को बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनती है। देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं कुछ इस तरह से। एक छोटा चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर का लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और डेढ़ चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है इसमें। घिया ले लेंगे हम एक, जिसे कि हम लौकी भी बोलते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट एक कटोरी भरकर दही की ली है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको फेंट कर स्मूथ बना लेंगे। इस तरह से घिया को हम कट कर लेंगे, ना तो बहुत बड़े पीसेस में कट करना है, ना ही बहुत छोटे पीसेस में। और एक पैन ले लेंगे, उसमें हम 1 स्पून देसी घी का ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं, बट देसी घी में ये घिया बहुत बढ़िया बनती है। ज्यादा नहीं, बस 1 स्पून ही देसी घी लेंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम 1.5 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। घी में इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, पका लेंगे 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको। और साथ ही हम 1/2 टीस्पून इसमें साबुत जीरा ऐड कर देंगे। ये जो हमने रखा हुआ था जीरा ऐड कर देंगे। एक मिनट कुक करने के बाद इसमें हम ये जो हमने सभी स्पाइसेस ड्राई रखे थे वो ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्पाइसेस हमारे थोड़े ज्यादा हैं और घी थोड़ा कम लग रहा है, तो हमें इनको अच्छे से पकाना भी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इन मसालों को कुक करेंगे, जिससे ये जलेंगे भी नहीं और कुक भी अच्छे से हो जाएंगे। दो तीन मिनट तक इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम पकाएंगे। मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। 2-3 बार इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भुना है। अब इसमें हम घिया ऐड कर देंगे। सारी घिया इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसमें पानी डालकर इसको हम ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। यानी सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। पानी ऐड कर देंगे इसमें। और अच्छा बॉयल आने
तक इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर इसका फ्लेम स्लो कर देंगे और ढक देंगे। बीच बीच में इसको हिलाते जाएंगे हम। बॉयल आना शुरू हो गया, अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। बीच बीच में हिलाते जाएंगे और 10 मिनट तक, इसके पकने तक हम इसे इसी तरह से कुक होने देंगे। 10 मिनट हो गए, चेक कर लेंगे। घिया बनकर बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसका जो वाटर है वो हम ड्राई कर लेंगे फ्लेम को हाई करके। अच्छे से सॉफ्ट आप देख सकते हैं हो चुकी है घिया। इसका थोड़ा सा वाटर ड्राई करेंगे। दो तीन मिनट हो गए, इसी तरह से मेरे को इसका ढक्कन ओपन करके इसको हाई फ्लेम पर पकाते हुए, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए। अब इसको साइड पे कर देंगे हम और एक छोटा सा पैन ले लेंगे अपनी सब्जी को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। हम एक अच्छा सा तड़का बनाएंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून देसी घी, बटर, कुछ भी जो भी आप ऑयल यूज करना चाहते हैं वो डाल लीजिए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें, खड़ी मिर्चें और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बंद कर देंगे जल्द से। अब हमने जो दही रखी थी अच्छे से फेंट के वो अपनी सब्जी में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये कर्ड दही रूम टेम्परेचर पर ही हमने रखना है। और अगर इसमें 1 चम्मच हम फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है मलाई, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दीजिए, बहुत बढ़िया लगती है। और इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। डिश में डालने के बाद अब ये तड़का हम इस पर इस तरह से पोर कर देंगे। इस तड़के से डिश बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। लीजिए, दही वाली स्पेशल घिया बनकर रेडी है, बहुत ही यम्मी बनती है। तो ट्राई कीजिए, आप भी इस तरह से घिया यानी लौकी की सब्जी बनाना बहुत पसंद आएगी आपको। और कमेंट्स में भी फ्रेंड्स जरूर बताइए कि आपको मेरी ये सिंपल सी घिया की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना प्लीज मत भूलिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।